नमस्कार, मैं हूं प्रखर प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं क्रॉस फायर। क्रॉस फायर में हमारे संग आज एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिसे उत्तर प्रदेश से बहुत उम्मीदें हैं और उत्तर प्रदेश उनसे कह रहा है हमें उत्तम प्रदेश आपका बनाओगे, यानी कि सूबे के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री और विरासत मिली नेताजी से मैं बात कर रहा हूँ अखिलेश यादव उर्फ टीपू भैया की। टीपू भैया मेरे साथ हैं। टीपू भैया, ये नाम आपका टीपू भैया कैसे पड़ा था, पहले जनता ये जानना चाहती है। जब मैं गाँव में था तो गाँव के जो प्रधान जी हैं हमारे, जो नेताजी के साथ कुश्ती लड़ते थे, उन्होंने कभी मेरा नाम ये डाल दिया था। कई बार लोकसभा में भी उन लोगों ने इसी नाम से मुझे बुलाया, इसकी वजह से मेरा प्रचार बहुत हो गया इस नाम का। उत्तर प्रदेश में 16वीं लोकसभा का रण चल रहा है, यूपी का टीपू सुल्तान कितनी सीटों पे इस टाइम देख रहा है कि कांटे की चक्कर है और कितनी मान के चल रहा है कि मैं ले आऊंगा, पुराना रिकॉर्ड सुधारूंगा या मेरा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये चुनाव बहुत अलग चुनाव है, तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने काम किया था और लगातार घोषणा पत्र में जो जो बातें रखी थी उनको जमीन पे उतारा, तो उपलब्धियों को लेकर के हम चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जानबूझ करके उत्तर प्रदेश में धार्मिक सांप्रदायिकता का तनाव पैदा किया और उसका लाभ लेने के लिए इन्होंने किया। इसलिए मैं कहता हूँ कि आज भी समाजवादी पार्टी की जो लड़ाई है, मैं कह सकता हूँ कि सेकुलर लोगों को एक कर करके और जो उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट का एजेंडा उसको आगे रख करके ही चुनाव लड़ा जा रहा है। मुझे भरोसा है कि समाजवादी पार्टी की इन बातों को जनता समझेगी और जिस तरीके से मतदान हो रहा है, सेकुलर लोग एक होकर के मतदान समाजवादी पार्टी के पक्ष में कर रहे हैं। अमित शाह का जो बयान आता है उसे आपत्तिजनक मानते हैं, लेकिन जब आजम खान सेना के ऊपर विवादित बयान देते हैं तो कौन कर रहा है ध्रुवीकरण, सपा कर रही है या बीजेपी कर रही है? जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके बारे में देश पूरा जानता है। उत्तर प्रदेश में तो परिचय अभी हुआ है, लेकिन जहाँ गुजरात में उनका परिचय बहुत अच्छा परिचय नहीं है और उनके बारे में, उनके इतिहास के बारे में लोग अच्छा नहीं मानते न समझते। जहाँ तक आदरणीय आजम खान साहब का सवाल है, उन्होंने जो बात रखी थी उन्होंने केवल ये कहा था, हालांकि उस इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया, उन्होंने जवाब भी दिया, जवाब उनका नहीं माना गया न सुना गया और उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। मैं समझता हूँ कोई भी नेता हो कभी कभी इस तरह की बातें हो जाती हैं और कभी कभी अपनी पक्ष की बात पूरी तरीके से रखने का जो बात समझाना चाहते हैं वो नहीं आती है और उसी की वजह से ये सब सामने आया है। मैं समझता हूँ आदरणीय आजम खान साहब ने कुछ गलत नहीं कहा, वो भागीदारी और जो मुस्लिम जवानों का योगदान है, जिस तरीके से देश की तरक्की और खुशहाली में मुस्लिम लगातार काम कर रहे हैं और लगातार और लोगों का साथ देकर के आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक फौज का सवाल है, फौज के ऊपर पूरी जनता को भरोसा है, देश के लोगों को भरोसा है और एक जवान, एक फौजी के लिए कोई धर्म कोई जात नहीं, उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि वो भारत का फौज का जवान है। तो मैं समझता हूँ जहाँ वो बात जिस तरीके से, जिस रूप में समझनी चाहिए थी लोगों को, जिस भावना से उन्होंने कहा, वो कहीं गलत नहीं था, लेकिन उसका क्योंकि दूसरे तरीके से समझा गया। आजम खान को कहने की क्या जरूरत आन पड़ती है, कुत्ते के बड़े भाई का गम हमें नहीं चाहिए, क्या ये मर्यादित है? ये उत्तर प्रदेश की तहजीब है, ये लखनऊ की तहजीब? जिस बारे में आप बात कर रहे हैं, जो उदाहरण देश के प्रधानमंत्री पद के जो दावेदार हैं उन्होंने उदाहरण दिया, उन्हें भी उस बात को स्वीकार करना पड़ा कि जिस भावना से कहा गया था वो भावना देश के लोगों ने नहीं समझी। तो खैर वो भी अपने स्पष्ट नहीं कर पाए कि आखिरकार क्यों कहा था, लेकिन कोई भी किसी समाज को किसी को कुत्ता कैसे कह सकता है, तो ये कहना तो गलत था। और वही बात आगे राजनीतिक रूप से जवाब दिया आदरणीय आजम खान साहब ने, और अगर पूरा समझा जाए तो कहीं गलत उन्होंने नहीं। जनता में आदर्श कैसे स्थापित होगा? आप उस ब्रिगेड से आते हैं जो लोहिया की मानी जाती है, जनेश्वर मिश्र की मानी जाती है, कौन आने वाली पीढ़ी को ये बताएगा कि कायदे हैं, कानून हैं और आदर्श है? ये सच है कि लोकतंत्र में, और लोकतंत्र मजबूत हो उसमें व्यवहार कैसा हो राजनीतिक दलों के नेतृत्व करने वाले लीडर्स का, उनकी बातचीत कितनी अच्छी हो या आपस में कितना मिलनसार है, ये तमाम पहलू हैं जिसमें लोकतंत्र मजबूत होता है। समाजवादी लोगों ने हमेशा विरोध नीतियों का किया, व्यक्तियों का विरोध नहीं किया। तो जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने एक आसान रास्ता पाया, हालांकि उन्होंने इमेज अपनी बनाई डेवलपमेंट की, लेकिन उत्तर प्रदेश में कामयाब होने के लिए उन्होंने कम्युनल रास्ता अपनाया।
आज लोगों को अगर हम समझाना चाहें, अच्छी उपलब्धियां बताना चाहें, मुश्किल है। लेकिन धर्म के नाम पर, जात के नाम पर अगर बहकाना चाहें तो वो आसान बन गया। इसलिए आज कम्युनल होना आसान है, सेकुलर होना मुश्किल। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सो कॉल्ड सेकुलर हैं। सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या है? वो कहते हैं जब हम काम करते हैं, आप हमारे दंगे गिनाइए अगर हमारे समाज में हुए हैं, हम जहां हम शासित हैं। वो कहते हैं 2002 के बाद एक दंगा नहीं है। और मुजफ्फरनगर के दंगे को वो सीधे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये प्रशासनिक लापरवाही। प्रधानमंत्री के जो दावेदार हैं जिनका नाम आगे आया, उन्हें पहले RSS ने पेश किया, विश्व हिंदू परिषद से राय ली गई और बजरंग दल ने जब थप्पा लगाया तब जाके BJP ने स्वीकार किया उन्हें प्रधानमंत्री के पद पर, दावेदारी सब हुई। इन लोगों से हमें नहीं सीखना है कि सेकुलरिज्म क्या है। और धर्म का इस्तेमाल मंच पर कर रहे हैं, कोई राजनीतिक दल हमें बता दो जिसने धर्म का इस्तेमाल मंचों पर किया। क्या भगवान की तस्वीर कोई मंच पर लगाएगा राजनीतिक दल? इलेक्शन कमीशन को उसी समय नोटिस दे देना चाहिए था और ऐसे लोगों की रैलियों को प्रतिबंध लगा देना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन केवल चुनाव में जागे ये गलत बात है। पार्टियों का क्या व्यवहार होगा चुनाव से पहले इसलिए भी सख्ती करनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ही तय करता है कि पॉलिटिकल पार्टी की फंक्शनिंग कैसे हो। तो जो पार्टियां धर्म इस्तेमाल कर रही थी मंच पर, जो धार्मिक नारे हैं उनको अपना नारा बना लिया उन्होंने। ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के नाम पर चंदा वसूला, अभी एक और महापुरुष देश के उनके नाम पर लोहा इकट्ठा किया। ये भारतीय जनता पार्टी पर कोई भरोसा नहीं करेगा। ये सबसे चालू पार्टी है। उन्होंने एक बार गणेश जी को दूध पिला दिया पूरे देश में। तो इनसे सेकुलर होना, इनसे कोई सर्टिफिकेट कौन लेगा इनसे? इसलिए ये खुद ही ऐसे सेकुलर लोग नहीं। नरेंद्र मोदी कह दे रहे हैं कि मुसलमान को भी मुझसे मोहब्बत हो जाएगी जब बनारस में सीधे बात होगी। और वो आपको बार बार ये बता रहे हैं कि मैं मुसलमानों की हिफाजत करने वाला हूँ, मैंने विकास किया है, गुजरात का मॉडल मैं पूरे देश में ले आऊंगा। देखिए, जो किसी ने जानकारी दी, अच्छा हुआ मैंने देखा नहीं। और जो बातें प्रधानमंत्री पद के दावेदार अभी तक कर रहे थे, उन्होंने शेरों की बात की, बीच में उन्हें मामला बन गया भैंसों का, उस पर भी उन्होंने चर्चा की, बाद में अभी सांड पे उन्होंने चर्चा की, टॉफी पे भी चर्चा कर रहे हैं और अब ये कह रहे हैं कि उन्हें देखते ही बनारस के लोगों को प्यार आ जाएगा। ये वन साइडेड प्यार की जो बात कर रहे हैं, परिणाम आने के बाद पता लगेगा कि प्यार किसने ज़्यादा किया, कौन प्यार ज़्यादा कर। तो जब तक लोकतंत्र में वोट ना पड़े, और बनारस की जनता बहुत समझदार है, उस वो दुनिया का सबसे पुराना शहर है, वहाँ तमाम ऐसे लोग बुद्धिजीवी लोग रहते हैं जो कला में, साहित्य में, म्यूजिक में सबसे आगे हैं। वहाँ पर बुनकरों की संख्या बहुत है और बहुत सोच समझ के निर्णय लेने वाले लोगों का वो जिला है जो वन साइडेड प्यार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ वन साइडेड वाले लोगों को हमेशा धोखा होता है, गम होता है। वो एक चीज़ और कहते हैं बनारस में जाके, और बार बार कहते हैं कि गंगा माँ को साफ करने की जिम्मेदारी हम उठाएंगे, हम गंगा माँ को साफ करेंगे। और वो ये सबको ऊपर आरोप लगाते हैं कि इतने लोग आए, इतनी सरकारें चली गईं, लेकिन नदियों को कोई साफ नहीं कर रहा है, ना गंगा को साफ कर रहा है। प्रधानमंत्री पद के दावेदार जो हैं, उन्होंने अगर ये गंगा साफ या देश की नदियों को साफ करने का संकल्प लिया है तो न केवल देश को धोखा दे रहे, अपने आप को भी धोखा दे रहे। क्योंकि पहले तो अपना वो प्रमाण दें कि गुजरात में कोई नदी साफ की है। ये जो नदियां हैं, यमुना है या गंगा है और गोमती, तो एक दिन में ख़राब नहीं हुई, वर्षों बरस जब शहर बसे रहे, जो ठीक तरीके से प्लानिंग होनी थी वो नहीं हुई, जिसके कारण हमारी नदियां ख़राब हो गई, गंदी हो गई। जो पानी की सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी क्वालिटी है, जो पानी अपने आप साफ हो जाता है, जो पानी की प्रॉपर्टी है, सेल्फ प्योरीफिकेशन की जो प्रॉपर्टी है, अगर केवल हम उतना ध्यान दे दें, आप शहर क्या नए बसाओगे जो शहर किनारे बसें गंगा के या यमुना के? वो इंडस्ट्रीज जो बसी हैं, पूरी अर्थव्यवस्था, पूरे रहने वाले लोग इन्हीं नदियों के किनारे, आपको कितना पैसा चाहिए होगा? लेकिन अगर ये बात कही गई है तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर पैसे की ज़रूरत है। यही तो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी कि अगर ठान लेंगे तो हम काम करके दिखा देंगे। उत्तर प्रदेश बेचारा हो गया है कि पिछले 20 सालों से कोई उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं सोच रहा, जो आता है शासन करता है और चला जाता है।
उत्तर प्रदेश को जाना नहीं है, वो विजिटर के रूप में आए हैं उत्तर प्रदेश। और जो गुजरात मॉडल भी है वो कौन गुजरात मॉडल दिखाएं, जिस पैमाने पे उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है या उत्तर प्रदेश में जो काम है। आए वो कह दिए कि हमने मंजा और पतंग की 500 करोड़ का टर्नओवर बढ़ा दिया। हमारे उत्तर प्रदेश में जाने क्या क्या हो रहा है, कई जगह कितने हजारों का टर्नओवर है। माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा देश में उत्तर प्रदेश में। आज भी तमाम शहर हमारे ऐसे हैं, हालांकि जितना ध्यान देना चाहिए था नहीं दिया, उसके बावजूद भी एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। कानपुर का शहर सबसे ज़्यादा कर रहा है। हमारे हर शहर की इकोनॉमी है। ये सही है कि सरकारें आई, सरकारों ने, समाजवादियों ने बहुत काम किया। पहली बार उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर के आई, सोलर एनर्जी में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आपकी डेयरी गुजरात से ही भाग करके यहाँ आई है, गुजरात की अमूल कोऑपरेटिव, वो आज उत्तर प्रदेश को देख रही हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में दूध का उत्पादन ज़्यादा है, तो इसलिए आज उत्तर प्रदेश में लग रही। मदर डेयरी का प्लांट लग रहा है, पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है, सड़क में इन्वेस्टमेंट आया उत्तर प्रदेश में, और कई नई इंडस्ट्रीज हैं और पुरानी इंडस्ट्रीज हैं जो एक्सपेंशन चाहती हैं। तो कोई ये कह दे कि उत्तर प्रदेश में काम नहीं हुआ, जो काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो गुजरात में हो ही नहीं सकता। आज अगर गुजरात की तुलना हो जाए तो कोई आज गुजरात नहीं अच्छा हुआ है, गुजरात पहले से ही अच्छा था। तमाम जो लोगों ने सम्मान पाया है दुनिया में, अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं, चाहे वो इंग्लैंड में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, कोई प्रधानमंत्री के पद के दावेदार के आने की वजह से गुजरात नहीं खुशहाल हो गया। अगर वहाँ किसी बड़े उद्योगपति का कारखाना लगा है तो उनकी वजह से नहीं लगा। गुजरात ट्रेडिशनली और बैकग्राउंड में बिजनेस माइंडेड लोगों का और वहाँ बिजनेस करने वाले लोगों का ही प्रदेश रहा है, और बहुत अच्छा उन्होंने अपनी मेहनत से किया। तो मैंने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर पर उन्होंने उदाहरण दिया कि गरबा वहाँ पर होता है नवरात्र के दिनों में। उन्हें ये भी जवाब देना चाहिए, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं पहले तो सुबह 4 बजे तक होता था गरबा, अब तो रात के 12 बजे से पहले ही बंद हो जाता है गरबा। तो ये जो केवल आंकड़े पेश कर देना, वो आंकड़े पेश कर देना जिनसे कोई लेना देना सच्चाई से नहीं है। सीधे तौर पर अखिलेश का कहना है कि गुजरात में जितने सुनहरे चीजें दिखाई देती हैं वो है नहीं, हकीकत में वो सोना नहीं पीतल है। लेकिन बार बार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम ही सरकार बनाएंगे, जबकि सपा कह रही है कि आने वाले टाइम में मुलायम सिंह ही प्रधानमंत्री होंगे। जानेंगे अखिलेश से इस ब्रेक के बाद, आप कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और हमारे संग मौजूद हैं अखिलेश। ये कितनी बड़ी चुनौती है कि आप पूरे देश के अंदर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन मानते हैं कि हम 11 पार्टियों का मोर्चा बना चुके हैं और हम नेताजी को प्रधानमंत्री बना लेंगे। समाजवादी पार्टी बड़े पैमाने पर देश में, जहां जहां समाजवादी पार्टी का संगठन है वहां चुनाव लड़ रही है। जो बात नेताजी और तीसरे मोर्चे के तमाम नेता कहते हैं कि परिणाम आने के बाद ये तमाम दल बैठेंगे और तय करेंगे कि आने वाले समय में कैसा गठबंधन बने, कैसा फ्रंट बने जो एक विकल्प देगा देश को, जो एंटी कांग्रेस एंटी बीजेपी का एक विकल्प है। उन्होंने आज भी कहा चाहे नरेंद्र मोदी शीर्षासन कर लें या कुछ भी कर लें, 272 उनको नहीं मिलना है। तो आप 272 कहां से लाएंगे? सेकुलर सरकार बनाने के लिए तमाम उस सोच के लोग इकट्ठे होंगे और ये तय होगा चुनाव के बाद, क्योंकि जनता खुश नहीं है कांग्रेस पार्टी से। 10 साल में देश को पीछे कर दिया, आर्थिक संकट आ गया, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है, और जो इन्वेस्टमेंट देश को आगे ले जाने वाला होना चाहिए था वो भी हम लोग नहीं कर पाए। तो इसलिए बड़े सवाल खड़े हैं कांग्रेस पर, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है, और परिणाम जब आएगा तो देश में एक तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी। आप कहते हैं कांग्रेस से हमारी बनती नहीं है, फिर भी आप ना अमेठी में कैंडिडेट देते हैं ना आप रायबरेली में कैंडिडेट देते हैं, और आप ही कह रहे हैं कि जनता कांग्रेस से नाराज है। अमेठी और रायबरेली में पिछली बार भी समाजवादी पार्टी में कोई प्रत्याशी नहीं था, और कम से कम ये दो दलों में एक अच्छा राजनीतिक शिष्टाचार तो है कि हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ा रहे, कम से कम दो लोकसभा में। वो यही तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को आप आगे बढ़ा देते हैं, ये वो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। आरोप भ्रष्टाचारियों को नहीं बढ़ा रहे, सरकार नहीं बनेगी कांग्रेस की ये तो निश्चित करेंगे समाजवादी लोग। ये आपको लगता है? लगता नहीं, ये होने वाला है।
ऐसा आपने पिछले 2.5 साल में कौन सा काम किया है जिससे लगता है कि लोग आपके साथ ही रहेंगे? देखिए, ये समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो घोषणा पत्र बनाया था, जो हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो था, हमने पूरा किया और भरोसा बढ़ाया समाजवादी पार्टी की सरकार के तरफ। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम हुआ है, सड़कें 4 लेन बनाने का, जोड़ने का जिला मुख्यालयों को, आपके बिजली के क्षेत्र में जो उत्पादन का काम शुरू किया, ट्रांसमिशन जो बेहतर किया, तहसील स्तर पर नए सबस्टेशन बनना, उत्तर प्रदेश में 3 जिलों में फीडर सबस्टेशन का काम शुरू होना, मेडिकल कॉलेजेस बनना, नई एम्बुलेंस सर्विसेज शुरू करना, मेडिकल हेल्थ में सभी जांचें फ्री, दवाई मुफ्त, किसानों का लोन माफ़ी करना, किसान के लिए सिंचाई माफ़ी करना, ये बड़े फैसले हैं। और लैपटॉप जैसी बड़ी परियोजना उत्तर प्रदेश में लागू हुई, किसान दुर्घटना बीमा मिला, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम लोग लेकर के आए, तो उत्तर प्रदेश कैसे ठोस विकास के रास्ते पे जाए। टूरिज्म में आप बढ़ावा कैसे देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा रोना तो यही है, आपके हाथ से हरिद्वार जा चुका। आज भी देश में जहाँ सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली, अगर कहीं आ रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश में गिनती होगी, आपके आगरा, मथुरा, बनारस आज भी बड़े पैमाने पर आ रहे हैं। और सरकार ने कोशिश की है, हालांकि कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की भी योजनाएं थी, उसे शामिल होकर के काम शुरू किया है। आगरा में मैंने और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए अराउंड दी हिस्टोरिकल जो आपके मोनूमेंट्स हैं उनके आसपास बड़े पैमाने पर पैसा खर्च करने जा रहा है। इसी तरह हमने सब एक एक करके टेकअप किया, बनारस का भी शुरू करने जा रहे हैं घाटों को लेकर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उसमें लिया है, उत्तर प्रदेश की सरकार भी पैसा दे रही है, चुनाव चल रहा है, मैं और भी पैसा दूंगा। बार बार बीजेपी कहती आप रोजगार नहीं दे पाए, आप युवा की बात करते हैं और आपको युवाओं ने नेता बनाया। बीजेपी और उनके प्रधानमंत्री पद के दावेदार ये कह सकते हैं कि रोजगार के लिए नहीं किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में SCL REA IT सिटी बनाने, बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। क्या इंफोसिस का कैंपस गुजरात में बना है? ये दोनों देश की और दुनिया की बड़ी कंपनियां हैं, SCL और इंफोसिस, दोनों उत्तर प्रदेश में आकर के अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या IT के सेक्टर में काम करने जाएंगे। इससे बड़े पैमाने पर नौजवानों को रोजगार मिलेगा, नौजवानों को काम मिलेगा और इसका इफेक्ट ये भी होगा कि अदर सर्विसेज में भी बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिलेंगी। करार हो गए आपके, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वो आए, उन्होंने ऑफिस खोले लेकिन निवेश नहीं आया। IT सिटी में जगह चिन्हित कर दी, उन्होंने कार्रवाई कर दी, उन्होंने पैसा जमा कराना शुरू कर दिया। वहीं इंफोसिस ने भी अपने लिए जितनी जमीन चाहिए थी वो ले ली है, सरकार की तरफ से पूरी NOCs दे दी गई हैं, वो काम बहुत जल्दी शुरू होगा। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में SCL का लखनऊ में कैंपस, हालांकि SCL का सबसे बड़ा कैंपस नोएडा में है, लेकिन नोएडा से हम भाड़ लेकर के आए लखनऊ में, इससे ये लखनऊ बड़ा शहर भी इस IT सिटी के माध्यम से यहाँ के भी नौजवानों को रोजगार मिले। वहीं इंफोसिस अपना नोएडा में ज़मीन खरीद चुके हैं, उस पर भी काम शुरू होने जा रहा है। अमूल, जैसा कि मैंने पहले कहा कि दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है और डेयरी प्रोडक्ट्स भी उत्तर प्रदेश के बाज़ार में सबसे ज़्यादा खपत वाले हैं, इसीलिए मदर डेयरी ने पहला प्लांट खोला है इटावा के पास, वो अगले 2 महीने में शुरू होने जा रहा है। 3 प्लांट अमूल खोलने जा रहा है उत्तर प्रदेश, और जिससे कि किसानों को भी लाभ मिलेगा और बाज़ार में नए प्रोडक्ट और समय पर शुद्ध और फ्रेश मिलेंगे अमूल। ये बात नेताजी ने खुद मंचों से कही है कि हाँ कुछ हमारी कमी रह गई और आपको डांट भी पड़ी है। आपने फिर कहा कि पिताजी कब वो बन जाते हैं, कब वो पार्टी के अध्यक्ष बन जाते हैं, मेरी समझ में नहीं आता और इसको मुझे समझना है। आपकी कानून व्यवस्था कैसे ठीक होगी और महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी? किसी भी सरकार के लिए बड़ा काम है, बड़ा चुनौती भरा काम है। इधर का लॉ एंड ऑर्डर पे हम लोगों ने काम किया है, ट्रेनिंग कैसे बेहतर मिले, अच्छे अधिकारियों कैसे मौका दें, और जितना भी हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकें, ज़्यादा थाने खोलें या कोई और सुविधा लेनी पड़े फोर्स को, तो वो उस दिशा में काम करें। उत्तर प्रदेश मैं समझता हूँ पहला प्रदेश होगा जिसके पास कंट्रोल रूम इतना बेहतर पुलिस का बना है। शुरुआत की है मैंने कानपुर, जहाँ पर पुलिस की GPS के माध्यम से गाड़ी और सूचना के माध्यम से बता सकते हैं, पता कर सकते हैं आखिरकार पुलिस कहाँ पर है। अगर उसको मौके पर पहुँचना है तो कंट्रोल रूम सूचना दे देगा। वहीं पूरा शहर हमने उसको कैमरे पर रखा है, CCTV का, जिससे कि अगर कोई घटना हो जाए और जानकारी मिल जाए तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो। और कैमरे लग जाने की वजह से बहुत सारे क्राइम्स में, बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर इश्यू, बहुत सारे और घटनाएं रुकी हैं और उनको सॉल्व किया गया। और वहीं खासकर महिलाओं के लिए
इधर बहुत फेक कॉल्स करते थे लोग, लोग एसएमएस करके परेशान करते थे। वुमेन पावर लाइन बनाई है 1090 समाजवादी पार्टी ने, उसके माध्यम से बड़ी संख्या में बहनों को, माताओं को और जिनको कभी परेशान किया गया उनकी मदद करने का काम इस सरकार में हो रहा है 1090 पावर वुमेन लाइन। और इस तरह कंट्रोल रूम बना करके, नई सुविधाएं देकर के, अच्छे अधिकारियों को मौका देकर लॉन्डरमेंट हम लोगों ने अच्छा काम किया। नेताजी जब ये कह देते हैं कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराध में फांसी नहीं होनी चाहिए, और वो कहते हैं हम इसके ऊपर फिर से चर्चा करेंगे, हम सदन में इसको उठाएंगे, ये बहस की बात बाद में हो सकती है, लेकिन नेताजी ने ये भी कहा कि अगर और समाजवादी पार्टी ने कहा इससे भी कोई कड़ी कार्रवाई हो सकती तो की जाए। जहाँ तक महिलाओं या इनका सम्मान की बात है, समाजवादी पार्टी ने हमेशा सम्मान किया। मेरठ में एक डॉक्टर की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी जाती है कि उसकी बेटी को किसी ने छेड़ा और वो वहाँ गया, उसने रोका उन्हें, तो उसकी हत्या तीन लड़कों ने कर दी। मैं समझता हूँ पुलिस ने कार्रवाई की होगी, अगर नहीं की होगी तो मैं खुद नोटिस लेकर के उसमें कार्रवाई सख्त से सख्त जल्दी करूँगा। एक बात बार बार बसपा कहती है कि आपके यहाँ जितने भी नौकरशाह हैं वो बेलगाम हैं, उनकी जब सरकार थी तो शासन कैसे चलता था वो ये कहते हैं, और अब आपकी बात आपके नौकरशाह नहीं चलते, वो मनमानी करते हैं। बहुजन समाज पार्टी के लोग किस सोच के लोग हैं, क्या कह रहे हैं, उन्हें तो एक ही जानकारी थी कि कैसे लोगों को परेशान किया जाए, कैसे लोगों को से धन निकाला जाए। और जहाँ तक सवाल उनकी शक्ति का था, वो शक्ति नहीं थी, वो तानाशाही थी, और बड़े बड़े अधिकारियों को अपमान करते थे। कम से कम समाजवादी पार्टी अधिकारियों को अपमान तो नहीं कर रही, और समाजवादी पार्टी कम से कम काम तो करा रही है। और अगर उनका इतना ही सख्त सब कुछ था और इतना ही अधिकारियों पर कंट्रोल था तो आखिरकार सत्ता से बाहर कैसे चले गए। नमो की कहा जा रहा है कि आंधी है, सर्वे बता रहे हैं, अगर सीटें घट गई तो आपकी सरकार के ऊपर ये छीकरा फूटेगा, उस टाइम आप किस स्थिति में होंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि आपकी सरकार को गिराया भी जा सकता है। देखिए, जो लोकतांत्रिक सरकार को पहले तो कोई गिरा नहीं सकता, और एक बहुमत की सरकार है। दूसरी बात है, उत्तर प्रदेश में क्या परिणाम आएगा, उसका असर सरकार पे क्या पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेंगे, वो परिस्थितियाँ अलग थी जब 23 सीटें थी, इस बार परिस्थितियाँ अलग थी। काम भी समाजवादी पार्टी ने किया है, इधर सेकुलर सोच के लोगों को इकट्ठा किया है, और सरकार के पास उपलब्धियाँ भी बहुत हैं। मैं समझता हूँ अभी तक की सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी सीटें जीती। मुसलमान वोट आपसे दूर जा रहा है, उसको आप कैसे रोकेंगे, और जो सबसे बड़ी बात है कि यकीन इस बात का आप कैसे दिला रहे हैं कि दोबारा मुजफ्फरनगर जैसे स्थान में। समाजवादी पार्टी का जिस तरीके से काम करने का तरीका है, उससे मैं समझता हूँ अल्पसंख्यक और खासकर मुसलमान भाई समाजवादी पार्टी की कार्यक्रम योजनाओं से जुड़े लोग और समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा दिखाई दी, और समाजवादी पार्टी ने भी कभी अगर उनके ऊपर कोई संकट आया होगा या कोई बात आई तो उनके साथ खड़ी दिखाई, और वो इसलिए क्योंकि वो कमज़ोर लोग, वो पीछे रह गए। तो यही तकलीफ बहुत सारे लोगों को है कि आखिरकार अल्पसंख्यक और खासकर मुसलमान भाई समाजवादी पार्टी के साथ क्यों जुड़े हैं, यही तकलीफ बीजेपी को। चलते चलते मैं जानना चाहता हूँ, आपने एक बात कह दी कि समय के संग बदलना होगा, अब आप समय के संग समाजवादी पार्टी में क्या परिवर्तन चाहेंगे और अपनी सरकार में, क्योंकि ये वो दो मूल बिंदु होंगे जो ये तय करेगा कि आप समय के संग चल रहे हैं या जनता आपके साथ है या नकार रही है। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जितना घोषणा पत्र बनाया उससे प्रभावित होकर के जनता ने हमें समर्थन दिया, और ये सच है कि जो काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, मान लीजिए लैपटॉप आज हम बांटे, क्योंकि तमाम चीज़ें बदल गई हैं। आज अगर आप अपनी बस की टिकट बुक कराना चाहें, ट्रेन की टिकट बुक कराना चाहें, फॉर्म्स भरना चाहें, नौकरियां ढूंढना चाहें, किसी लाइब्रेरी का आप मेंबर बनना चाहें, किसी भी चीज़ के बारे में आप जानकारी लेना चाहें, इधर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी बहुत बढ़ गया है। तो इसीलिए समाजवादी पार्टी ने इस बदलाव को देखते हुए कंप्यूटर लैपटॉप देने का काम किया, और ऐसा दिया है कि किसी भाषा में भी चलाना चाहें, हिंदी में, इंग्लिश में या उर्दू में, तो चलाने में कामयाब हो। तो मैं समझता हूँ 2016 का जो परिणाम होगा उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, बहुत सारे सरकार को निर्णय लेने पड़ेंगे, कुछ कठोर निर्णय भी हो सकते हैं और कुछ ऐसे भी निर्णय होंगे जिससे उत्तर प्रदेश आगे और तेजी से बढ़ेगा। अखिलेश यादव उम्मीदों से लबरेज हैं, उन्हें लगता है कि उनके काम के ऊपर जनता समाजवादी पार्टी को वोट देगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बार बदलाव है,
और आने वाले टाइम में नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन देखते हैं क्या 11 पार्टियों का गठजोड़ नेताजी को अपना प्रधानमंत्री बनाता है या फिर भारतीय जनता पार्टी कामयाब होती है, क्योंकि अब तय जनता को करना है। और जनता जिस तरीके से पोल परसेंटेज दिखा रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं और जनता वोट कर रही है, उससे अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन ये चुनाव जरूर एक ऐतिहासिक चुनाव साबित होगा। आज क्रॉस फायर में इतना ही। प्रखर प्रकाश मिश्रा को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।